नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं राजधानी जयपुर में। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर हुई प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेकर के कहा कि कांग्रेस पार्टी का काम थूक कर चाटना है। आइए एक नज़र डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय पर प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया की कृषि बिल पर प्रेस वार्ता जारी हुई है। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि कांग्रेस थूक कर चाटती है, किसानों की फर्जी बीसीआर भरी जा रही है, साथ ही दोगुना बिल भी आ रहा है। किसानों को खराब हुई फसलों का मुआवजा देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकार को और किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा मिलना चाहिए। साथ ही साथ प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस सरकार पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा कि आज राजस्थान के किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि उनको उनकी फसल का पूरा पैसा नहीं मिल पाता। कोरोना काल में भूखे प्यासे अपने परिवार के साथ एक जगह बैठे रहे, उनको समस्या पर ना कोई राशन पानी की व्यवस्था है और ना ही कोई खाने की व्यवस्था। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के राशन सामग्री पहुँचाई है। साथ ही गहलोत सरकार को प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया ने आड़े हाथे लेते हुए कहा कि राजस्थान के किसान जनता सब जान चुकी है और कांग्रेस सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी, इसका नतीजा आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। जाए ना जाए, जब तक आप मंडी का कदम नहीं करोगे आपका माल वहां जाके नहीं मिलेगा। और सबके एक ही धारणा है कि दुनिया में और किसी पर टैक्स लगा दो, पर किसान की पैदावार पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। ये है स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसको हमने लागू करने का प्रयास किया और जगह से इनकम करेंगे, लेकिन जिसके पास लंगोटी है उसको उतारने से क्या लाभ मिलेगा। आत्महत्या तो पड़ेगी, हमको तो दुगुनी नाम देने का प्रयास किया है। और आत्महत्या कब कब कौन कौन क्या क्या कारण से करते हैं उसका विश्लेषण अलग है। ऐसा हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार का लाभ देने का प्रयास किया है और उसकी फसल का वाजिब दाम उसके हाथ में पहुंचे और 30 दिन की सीमा में पहुंचे, अब तक हम चाहे व्यापारी हों चाहे हम लोग जो धंधा करने वाले लोग हों, वो 6 महीने तक उसका फसल। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सिकंदरा से, अज्ञात व्यक्ति के शव का पुलिस प्रशासन ने करवाया अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण संक्रमण फैलने की आशंका के चलते करवाया गया अंतिम संस्कार। शिनाख्त के लिए कई दिनों से राजकीय अस्पताल में रखा हुआ था शव। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे सिकंदरा स्थित डाबर ढाणी में सड़क हादसे में हो गई थी मौत। खबर प्रकाशित होने व पुलिस द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद नहीं हो पाई शिनाख्त। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आपको बता दूं कि शिवम आश्रम हमजापुर मथुरा के महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद महाराज ने 3 दिवसीय राजस्थान का दौरा किया। जन जागृति अभियान यात्रा के दौरान शिवम आश्रम हमजापुर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास व ब्रज प्रांत साधु समाज अध्यक्ष महामंडलेश्वर बाल योगी संत स्वामी प्रकाशानंद महाराज का 3 दिवसीय कार्यक्रम राजस्थान के भरतपुर, दौसा, महुआ, हिंडौन, खेड़ला, वजीरपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, रणथंबोर और अन्य जगहों पर स्वामी ने भारत की एकता, अखंडता, आध्यात्मिक की चर्चा करते हुए उनसे बातचीत की। इस मौके पर हरिशंकर, मास्टर नवनीत, धीरज कुमार, डॉक्टर जेपी नायक, राधेश्याम आदि ने महाराज को स्मृति चिन्ह देकर के स्वागत सम्मान किया। दौसा जिले के सिकराय से आज बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं कि सिकराय पंचायत समिति में आज सरपंच व वार्ड पंच के नामांकन पत्र भरे जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, सिकराय पंचायत समिति में आज सरपंच व वार्ड पंच के नामांकन पत्र भरे जाएंगे। साथ ही सिकराय पंचायत समिति में 27 सरपंचों व 277 वार्ड पंचों के लिए नामांकन आज भरे जाएंगे। आपको बता दूंगी 10 बजे से शाम को 5 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन।
और मतदान केंद्रों पर पहुंच चुका है मतदान दल। जी हाँ, मतदान केंद्रों पर मतदान दल भी पहुंच चुका है और प्रत्याशी जुटे हैं नामांकन पत्र तैयार करने में। साथ ही आवेदक के साथ में दो समर्थन ही जा सकेंगे मतदान केंद्र पर। आपको बता दूं कि सरपंच प्रत्याशी मंदिरों में पूजा अर्चना कर नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारी भी कर रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं राजधानी जयपुर की ओर। आपको बता दूं कि राजधानी जयपुर में पहली अंडरग्राउंड मेट्रो को सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। राजधानी जयपुर में आज पहली अंडरग्राउंड मेट्रो को सीएम अशोक गहलोत ने हरी झंडी दिखाई। 7 साल के इंतजार के बाद बुधवार को सीएम अशोक गहलोत और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी चौपड़ से मेट्रो को हरी झंडी दिखा करके रवाना हुए हैं। आपको बता दूं कि स्मार्ट कार्ड से ही एंट्री होगी, साथ ही मेट्रो में स्मार्ट कार्ड से ही एंट्री होगी और कार्ड 100 रुपये में हर मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध होगा। इसमें से 50 सिक्योरिटी राशि होगी और 50 की यात्रा आप कर सकेंगे। साथ ही आपको बता दूं कि इसके बाद इससे मेट्रो वेबसाइट डेबिट क्रेडिट कार्ड से रिचार्ज करा सकते हैं। कार्ड की मियाद 10 साल की है। एक कार्ड से परिवार को कोई भी सदस्य यात्रा कर सकता है। साथ ही कार्ड खरीदने के लिए किसी दस्तावेज की ज़रूरत भी नहीं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि अब सीतापुरा से अंबावाड़ी का और इंतज़ार करना पड़ेगा। जयपुर शहर की बढ़ती यातायात जरूरतों को पूरा करने और परिवहन के लिए एक सुरक्षित आरामदायक पर्यावरण के अनुकूल सस्ता साधन प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर मेट्रो रेल परियोजना चलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है सिकंदरा से, अज्ञात व्यक्ति के शव का पुलिस प्रशासन ने करवाया अंतिम संस्कार। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण संक्रमण फैलने की आशंका के चलते करवाया गया अंतिम संस्कार। शिनाख्त के लिए कई दिनों से राजकीय अस्पताल में रखा हुआ था शव। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे सिकंदरा स्थित डाबर ढाणी में सड़क हादसे में हो गई थी मौत। खबर प्रकाशित होने व पुलिस द्वारा प्रयास किए जाने के बावजूद नहीं हो पाई शिनाख्त। 12 जिले की ओर आपको बता दूं कि 12 जिले में कृषि अध्यादेशों को लेकर के भाजपा ने प्रेस वार्ता की। 12 जिले के अंदर केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में लाए गए 2 अध्यादेशों को लेकर के भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारियों ने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। आपको बता दूं कि इस प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष हेमराज मीणा कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को मंडी टैक्स में होने वाले नुकसान के चलते कांग्रेस इन अध्यादेशों के विरोध कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ नेता प्रेम नारायण गालव, जिलाध्यक्ष जगदीश मीणा, पूर्व जिलाध्यक्ष आनंद गर्ग, पूर्व विधायक ललित मोदी व रामपाल मेघवाल मौजूद रहे। तो धीरे धीरे आज एमएसपी बढ़ाई, एमएसपी का खतरा नहीं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि मंडी टैक्स का नुकसान राजस्थान सरकार को हो रहा है। उस राजस्थान सरकार का वो नुकसान की वजह से वो ये सारा विरोध। इस खबर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। जोधपुर के अंदर बाल संरक्षण आयोग अध्यक्ष ने दिया नो मास्क नो एंट्री का संदेश। उम्मीद अस्पताल में मास्क बांट कर दिया संदेश। सिकराई के अंदर ग्राम पंचायत समिति में आज सरपंच एवं वार्ड पंच के नामांकन पत्र भरे जाएंगे। अलवर के अंदर किशनगढ़ बास में करोड़ों खर्च के बावजूद भी पेयजल का टोटा। NCR के जलदाय अधिकारी कर्मचारी बरत रहे हैं मनमर्जी। भरतपुर के कामा में सौतेली माँ द्वारा बालिका को मारने का प्रकरण सामने आया है। आपको बता दूं कि पिता ने कराया था पत्नी के विरुद्ध मामला दर्ज। सौतेली मां ने पिता को गैर मौजूदगी में करा दिया था शव का सुपुर्द। राजधानी जयपुर के अंदर खान विभाग करेगा जब्त शुदा बजरी की नीलामी। जयपुर खनिज अभियंता क्षेत्र में जब्त बजरी की नीलामी होगी। आज होगा ऑनलाइन नीलामी का आयोजन।